हेलो स्टूडेंट्स, हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है मास एंड वेट। मास एंड वेट, सबसे पहले तो अपन मास के बारे में जानते हैं कि मास क्या होता है। हमने काफ़ी टाइम से, अभी 9th क्लास में हम जितने भी मतलब फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़े हैं, हर किसी में एक टर्म मास तो आया ही आया है। मोशन में देखा, फिर अभी तक जितने भी हैं हर जगह मास तो आया, तो तुमको एक रफ नॉलेज तो है कि मास होता क्या है। ठीक है, अगर मास की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मास क्या होता है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। कि एक ऑब्जेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसमें कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है, वो उसका मास होता है। जैसे मैं इस मार्कर की बात करूँ, अगर मैं तुमसे पूछूँ कि इस मार्कर का मास कितना है, तो तुम क्या बोलोगे कि सर इस मार्कर के अंदर जितना भी क्वांटिटी का मैटर प्रेजेंट है वो इसका मास होता है। समझ में आ रहा है? इसी को ही अपन बोर्ड पे लिख देते हैं। पहले तो अपन मास पढ़ रहे हैं, ठीक है। मास में फर्स्ट पॉइंट, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मास की यूनिट क्या होती होगी? हम अभी तक ऑब्वियसली तुम लोगों को पता ही होगा मास की यूनिट केजी होगी। जैसे अपन 50 kg, 40 kg ये सब लिखते थे, ये हम मास ही लिखते थे, तो मास की SI यूनिट केजी होती है, ये हमें ऑलरेडी पता है। SI यूनिट ऑफ मास इज केजी, किलोग्राम। अच्छा, थर्ड पॉइंट के लिए मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे हम मोशन में दो पॉइंट्स पढ़े थे, दो तरह की क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी, एक था स्केलर क्वांटिटी, दूसरा था वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस था? जैसे जो वेक्टर क्वांटिटी होती थी उसमें हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती थी, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी में हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती थी, वो क्या होता था? मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब तुम मुझे इसमें बताओ कि जो मास होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है या फिर वेक्टर क्वांटिटी होता है? ऑब्वियसली जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें बस मैग्नीट्यूड की ज़रूरत रहती है, हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होती। जैसे मैं इस मार्कर की बात करूँ, मान लो इस मार्कर का वेट 2 kg है, ठीक है। अब वैसे ये है नहीं 2 kg, लेकिन मैं अपन एज्यूम कर लेते हैं कि मार्कर का वेट 2 kg है, तो अपन जो 2 है, मैं जो 2 kg में जो 2 बोल रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड ही तो हुआ इसका। हम इसमें डायरेक्शन थोड़ी ना दे रहे हैं कि इस डायरेक्शन में इस मार्कर का मास 2 kg है या फिर इधर 2 kg है, ऊपर 2 kg, हम डायरेक्शन नहीं दे रहे ना। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। देखो, जो मास होता है ना वो हर जगह कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये कि जैसे आप अर्थ पे रहो या आप मून पे रहो, आपका जो मास है, मास इन द सेंस आपके बॉडी के अंदर जितने भी क्वांटिटी के मैटर प्रेजेंट है, वो अर्थ पे जितने थे उतने ही रहेंगे। अगर आप अर्थ से मून पे भी चल जाओ ना, तब भी आपका जो, आपकी बॉडी के अंदर जो मैटर कंटेंट है, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, वो उतने के उतने ही रहेंगे। कहने का ये मतलब है कि चाहे आप अर्थ पे रहो या फिर आप मून पे रहो, कहीं पे भी जाओ, आपका जो मास है वो उतना का उतना ही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसे मैं अर्थ पे हूँ, मेरा कुछ मास है 60 kg, मैं मून पे गया तो मैं मोटा हो गया, पतला हो गया, अगर मोटा हो गया तो मेरा मास बढ़ गया, ऐसा नहीं होता ना। मैं जैसा हूँ, अगर ऐसा हूँ और मैं मून पे गया तभी मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं पतला या मोटा तो होऊंगा नहीं, मेरा मास चेंज होगा नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। कहीं भी जाओ, किसी भी प्लेस पर जाओ, मास जो है वो फिक्स्ड रहेगा, मास कांस्टेंट रहेगा आपकी बॉडी का। इट विल बी कांस्टेंट
at any place. किसी भी प्लेस पे जाओ आपका मास कांस्टेंट रहेगा. अच्छा एक पॉइंट और अपन बात करते हैं कि जो मास होता है क्या वो कभी ज़ीरो हो सकता है. कभी सुना है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़ीरो है? नहीं सुना ना. क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पार्टिकल है उसका मास अगर ज़ीरो होता तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता. चाहे कितना भी छोटा पार्टिकल हो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, स्टिल उसका कुछ ना कुछ तो मास रहेगा ही रहेगा. ठीक है, मास अगर मतलब पार्टिकल अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका कुछ मास होगा. मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसको याद रखिएगा. तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ अ पार्टिकल कैन नेवर बी ज़ीरो. ठीक है, कुछ ना कुछ मास तो उसमें रहेगा ही अगर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो. ठीक है, तो मास के ऊपर हमने ये पांच पॉइंट्स लिखे हैं. जल्दी से इन्हें तुम अपनी कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं. चलिए, तुमने ये सब नोट कर लिया होगा, मैं इसे रब कर रहा हूँ. इसके बाद अपन वेट के बारे में बात करेंगे. तो चलो वेट के बारे में बात करते हैं. क्या होता है वेट? देखो वेट कुछ भी नहीं है, वेट एक फोर्स होता है जो अर्थ हम पे लगाती है. किस तरह से लगाती है जरा देखो. जैसे ये अर्थ है जिसका कुछ मास m है और ये हम हैं, या फिर मान लेते हैं ये मैं ही हूँ, या फिर कोई पर्सन मान लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा. एक पर्सन है जिसका मास कुछ स्मॉल m है. ठीक है, ये कैपिटल m है, ये स्मॉल m है. सेंटर से, अर्थ की सेंटर से इस पर्सन का डिस्टेंस हम स्मॉल r मान लेते हैं. ठीक है, ये अपनी अर्थ है बाय द वे. ठीक है ना. अच्छा, मैंने जो बोला कि जो वेट है ये एक फोर्स होता है जो अर्थ हम पे लगाती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, इस डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ द अर्थ की डायरेक्शन में अर्थ एक फोर्स लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी बॉडी पे. ठीक है, और वो जो फोर्स होता है ये फोर्स ही वेट होता है अपना. तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी? इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विद विच इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड towards the center of the earth. ये एक force होता है जो object पे लगता है और लगाता कौन है? earth. object पे एक force लगाता है center की तरफ और यही force weight कहलाता है. ठीक है, अच्छा ये तो था अपना first point. ठीक, अब हमें पता है कि जो फोर्स है, जो अर्थ है, वो उस पर कितना फोर्स लाएगा. इसका फॉर्मूला हमें पता था, क्या होता था? F इक्वल्स टू जी एम वन, एम वन अपना कैपिटल M हो जाएगा, एम टू यानी स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होता था. वेट क्या होता है? एक फोर्स होता है. ठीक है, और ये फोर्स किसके बीच में होता है? अर्थ जो हमारे ऊपर लगा रही होती है, ये फोर्स होता है. ठीक है, और वेट हम ऐसे लिखेंगे, वेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा, जिसमें से हमें पता है कि ये जो चीज़ है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसको अपन स्मॉल जी करके डिनोट करते हैं. ठीक है, तो वेट का एक फॉर्मूला हो जाएगा एम इंटू जी, वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है,
चलो एक बार जल्दी से ये फर्स्ट पॉइंट नोट कर लो, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। ठीक है, तो तुमने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ। वैसे ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, ठीक है? ओके, सेकंड पॉइंट देखते हैं अभी। चलो, अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो वेट है ये एक फोर्स होता है, ठीक है, जो अर्थ हम पे लगाती है और सेंटर की तरफ जो इसका डायरेक्शन रहता है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये जो फोर्स है, सॉरी, ये जो वेट है, इसकी यूनिट क्या रहेगी? इसकी यूनिट न्यूटन रहेगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ फोर्स, ठीक है? तो सेकेंड पॉइंट अपना इसमें हो जाएगा SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछता हूँ तुमसे कि मुझे बात बताओ कि जो वेट है क्या ये हर जगह अलग अलग होगा? जैसे अगर मैं अर्थ के ऊपर रह के ही बात करूँ तो क्या अर्थ पर रह के ही क्या ये वेट हर जगह अलग अलग होगा? ऑब्वियसली ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो मास है, सॉरी, जो वेट है उसका फॉर्मूला होता है एम इंटू जी, यानी जो वेट है वो मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। और हमने लास्ट क्लास में ही देखा था कि जो अर्थ है उसका जो शेप है वो जियोइड होता था और उसमें पोल्स पे डिस्टेंस कम होता था और इक्वेटर पे डिस्टेंस ज़्यादा होता था सेंटर से, ठीक है? तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जी की वैल्यू अलग रहती थी और इस पॉइंट पे जी की वैल्यू अलग रहती है, ठीक है? अगर दोनों पॉइंट्स की बात करें तो दोनों पॉइंट्स पे जी की वैल्यू अलग अलग है, इक्वेटर्स पे जी की वैल्यू अलग है और पोल्स पे जी की वैल्यू अलग है, जिससे क्या होता है कि जो जी की वैल्यू है अलग अलग है, इस वजह से जो वेट है इसकी वैल्यू भी अलग अलग आएगी अर्थ के इक्वेटर और पोल्स पे, ठीक है? तो ये तो मैंने अर्थ और अर्थ के ऊपर ही रह के ही बात करी, पोल और इक्वेटर पे। क्यों ना अपन बात करें अर्थ और मून के बारे में। क्या ये भी, जैसे वेट अर्थ पे मेरा कुछ है, क्या मून पे भी उतना का उतना ही रहेगा जैसे अपना मास था? मैंने मास के लिए क्या बोला था कि अर्थ पे मेरा जितना मास है उतना का उतना मास ही मेरा मून पे भी रहेगा। क्यों? क्योंकि मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी, ठीक है? क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंज नहीं होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में, लेकिन वेट चेंज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वेट तो डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती रहती है तो वेट भी चेंज होता रहता है। तो क्या मून पे भी जितना मेरा वेट है अभी, ठीक है, मून पे भी उतना ही वेट रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जी चेंज हो रहा है। तो जो वेट है ये कॉन्स्टेंट नहीं रहता, वेट इज नॉट कॉन्स्टेंट, एट एवरी प्लेस, हर जगह वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। अच्छा, एक चीज़ और कि जो वेट है ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है? अब इसमें मैंने तुमको कहा था कि जो अर्थ है वो सेंटर की तरफ वेट लगाती है। ये जो सेंटर की तरफ मैंने बोला ना, इसको डायरेक्शन हम बोलेंगे, कि जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ रहता है। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड भी लेते हैं, जैसे 50 न्यूटन का फोर्स लगा रही है अर्थ हम पे, जैसे मेरा वेट है 50 न्यूटन, यानी 50 न्यूटन का फोर्स मुझ पे लग रहा है, ठीक है? या फिर 60 न्यूटन मेरा वेट है तो 60 न्यूटन का फोर्स अर्थ मुझ पे लगा रही है, ठीक है? तो मेरा वेट 60 न्यूटन आता है। अच्छा, इसी में ही मैंने तुमको क्या बोला था कि इसकी क्वांटिटी कौन सी रहती है, स्केलर या वेक्टर? तो इसमें डायरेक्शन भी आ रहा है और तो और इसमें मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, तो ये हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? तो फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? अच्छा, फिफ्थ पॉइंट, क्या वेट कभी जीरो हो सकता है? लास्ट में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाते जाते हैं स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, और अगर हम किसी तरह सेंटर पे पहुंच गए तो सेंटर पे
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो वेट भी अगर ज़ीरो हो सकता है तब होता है जब आप सेंटर में पहुंच गए। अगर अर्थ के सेंटर में तुम पहुंच गए तो वहां पे आपका वेट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ज़ीरो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप नोट कर लो, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूँ इसको। चलिए, अपन ने कभी बात कर रहा था, एक पॉइंट अपन ने देखा था जिसमें क्या था कि जो वेट होता है ये हर जगह अलग अलग होता है, यानी अर्थ के सरफेस पे मेरा वेट कुछ होगा और अगर मैं मार्स पे सॉरी मून पे जाऊँ तो वहाँ पे मेरा वेट कुछ और होगा। तो उसी के बारे में अपन बात करते हैं कि अगर मैं मून पे जाता भी हूँ तो मेरा वेट अर्थ के रेस्पेक्ट में कितना होगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक है। क्या वेट होगा मून पे? पहले तो अपन कुछ चीज अज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं ये अपना मून है, इसका कुछ मास कैपिटल एम है और यहां पे एक पर्सन है जिसका मास कुछ स्मॉल एम है, ठीक है। और यहां से इसके पास तक की जो डिस्टेंस है उसको अपन स्मॉल आर दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये अपना मून है, ये अपना मून है, मून का मास कैपिटल एम है, सेंटर से इस पर्सन तक डिस्टेंस है आर स्मॉल आर और हमारे जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो पर्सन है उसका मास स्मॉल एम है, ठीक है। ओके, तो इसी को ही अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट द मास of moon be capital M, ठीक है, mass of an object be small m and small r be the distance बिटवीन them, या फिर अपन इसको रेडियस भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। इसको अपन रेडियस भी बोल सकते हैं कि जो मून का रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक। ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो मून है वो उस पर्सन पे कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। फोर्स इन द सेंस कि वेट कितना है इस ऑब्जेक्ट का, मून पे वेट कितना है। तो वेट हमने निकालने के लिए फॉर्मूला देखा था, जो वेट है, ठीक है, एम लिख लेता हूँ, डब्ल्यू एम यानी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, ये मून का है, ठीक है। क्या होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या हुआ, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, एम इज मास ऑफ मून, एम इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट और उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये हमें पता है, ये लॉ है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमको पता चला कि उस ऑब्जेक्ट पे मतलब उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या है मून के ऊपर। इसी को ही चलो अपन अब फाइंड करते हैं कि मून पे तो इसका वेट ये है, ठीक है। अब अर्थ पे इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, तो कुछ बातें ध्यान रखो कि जो मास ऑफ अर्थ होता है, एज मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स इज, अपन लिख लेते हैं पूरा वैसे ही, इज 100 टाइम्स द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक है।
एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून। मैंने एक चीज गलत लिखी है, 100 टाइम्स द मास ऑफ मून रहेगा यहां पे। देखो क्या है कि जो मास ऑफ अर्थ रहता है, ये हमें अब याद करके चलना है, जो मास ऑफ अर्थ रहता है वो 100 टाइम्स रहता है मास ऑफ मून के। ठीक है, जैसे मास ऑफ मून मेरा कुछ था m, तो मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, 100 इंटू m, वो 100 टाइम्स रहता है मून के मास से। सिमिलरली जो रेडियस ऑफ अर्थ रहता है वो रेडियस ऑफ मून के 4 टाइम्स रहता है। ठीक है, तो अभी इसके अकॉर्डिंग मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, 100 इंटू कैपिटल m। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ अर्थ विल बी 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून। ठीक है, इतना समझ में आया कि क्या होता है। बेसिकली जो मास होता है अर्थ का वो मून के मास से 100 टाइम्स होता है, और जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो मून के 4 टाइम्स रहता है। तो ये चीज अपन को याद करके चलनी है। ठीक है, फिलहाल इतना नोट करो, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। ठीक है, तो तुमने नोट कर लिया हुआ इसको। तो हमने देखा कि जो मास है अर्थ का वो 100 इंटू एम हो जाएगा, यानी 100 एम हो जाएगा, और जो रेडियस है अर्थ का वो 4 इंटू आर, यानी 4 आर हो जाएगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसी में ही, कि जो रेडियस जो फोर्स लग रहा है, यानी अर्थ जो फोर्स लगा रही है किसी ऑब्जेक्ट एम पे, ठीक है, जो अपन ने यहाँ पे मैंने बनाया था डायग्राम, उसमें जो पर्सन था उस पे कुछ फोर्स लग रहा है, यानी अपन वेट की बात कर रहे हैं कि उस पर्सन का जो वेट है वो अर्थ पे कितना लगेगा, तो डब्ल्यू ई, ये वेट ऑन अर्थ है। ठीक है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना लगेगा, जी कैपिटल एम, सॉरी इसको भी कैपिटल एम नहीं, इसको 100 एम लिख लेते हैं, 100 इंटू एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 4 आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वेट हो जाएगा उस पर्सन का अर्थ के ऊपर। देखो क्या किया मैंने, मैंने मून का मास m लिया था, तो अर्थ पे अर्थ का मास कितना हो जाएगा, 100 इंटू एम। ठीक है, और r जो था वो था मून का रेडियस, तो अर्थ का रेडियस कितना हो जाएगा, 4 इंटू आर। ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स रहता है। इन्हीं चीज़ों को मैंने इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया। क्या था फॉर्मूला, जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, वही था जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, जिसमें एम वन जो है ये अपना मास ऑफ अर्थ हो गया, और m यानी अपना जो ऑब्जेक्ट था, जो पर्सन अर्थ पे था उसके ऊपर जो फोर्स, उसके ऊपर जो वेट लग रहा है। ठीक है, और अपॉन 4 आर स्क्वायर, यानी जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है अर्थ का। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा, क्या आएगा, डब्ल्यू ई इक्वल्स टू जी, इसको 100 जी इंटू एम इंटू स्मॉल एम, ठीक है, अपॉन 16 आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक तो था अपना ये वेट ऑन मून, एक है ये वेट ऑन अर्थ। ठीक है, हम इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर देते हैं, हमें क्या मिलेगा, वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इक्वल्स टू, वेट ऑन मून क्या था, जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये चीज़ आ जाएगी, 100 जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे 16 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब इस पूरी चीज़ से ये पूरी चीज़ कैंसिल हो गई, आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया,
जो 16 है वो रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो ओवरऑल मास ऑन मून अपॉन सॉरी वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 100 हो जाएगा। तो तुम इसको काटोगे कैंसिल करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, जो वेट ऑन मून है विल बी इक्वल टू वेट ऑन मून विल बी इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। ये रिलेशन याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि वेट ऑन मून, मून के ऊपर जो हमारा वेट होगा वो अर्थ से कंपैरेटिवली 1/6 होगा। ठीक है, इसीलिए तो हम मून पे खुद को लाइट फील करते हैं। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट है वो थोड़ा जंप करते हुए हमें दिखते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेट उनका कम रहता है, जो मून है वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है उन एस्ट्रोनॉट्स पे। ठीक है, तो इस पूरी चीज़ को एक बार नोट कर लो, उसके बाद अपन एक न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पे, इसको पढ़ते हैं। अ मैन वेट्स 600 न्यूटन ऑन अर्थ, व्हाट इज इट्स मास? टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आंसर में क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक मैन है, ठीक है, उसका वेट अर्थ पे 100 न्यूटन है। ठीक है, हमें जी लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और उसने पूछा है कि मास क्या है, इस मैन का जो मास है मास क्या है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था, वेट क्या होता है, एम इंटू जी होता है। ठीक है, और ये जी भी कौन सा है, अर्थ पे जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वो वाला जी है ये। ठीक है, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर बात कर रहे हैं कि अर्थ पे कितना वेट है। क्वेश्चन में डब्ल्यू ई की वैल्यू यानी अर्थ पे 100 न्यूटन का वेट लग रहा है और मास हमें निकालना है, हमें जी की वैल्यू पता है कि अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है। ठीक है, सॉरी ये 600 दे रखा है। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो मास कितना हो जाएगा, 60 kg। ठीक है, उसने यही पूछा था व्हाट इज इट्स मास, मतलब इसका मास कितना है उस आदमी का। इसके आगे लिखा है इफ ही वर टेकन टू द मून, अभी तो अपन अर्थ पे थे, अब इस आदमी को अपन मून पे ले गए। ठीक है, हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन। अब इस आदमी को अपन मून पे ले गए तो मून पे उसका वेट 100 न्यूटन हो गया। ठीक है, व्हाट इज हिज मास ऑन द मून, तब इसने बोला है कि इस पर्सन का मास कितना होगा मून पे। थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि जो मास है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे तुम अर्थ पे रहो या फिर तुम मून पे रहो, जो मास रहता है वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर मास पहले 60 kg था अर्थ पे, तो मून पे भी उसका मास 60 kg ही रहेगा। ठीक है, सिंस मास विल बी कांस्टेंट therefore mass of man will be 60 kg। ठीक है अच्छा, इसके आगे क्या बोला है, what is the acceleration due to gravity on moon, कि moon पे acceleration due to gravity कितना लगेगा। तो इसका भी simple सा formula है, weight क्या होता है, m इंटू जी, जी कौन सा, मास पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वो। ठीक है, हमसे ये पूछा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लग रहा है मून पे, हमको वेट दे रखा है, वेट है 100 न्यूटन। ठीक है, मास हमको पता है 60 kg है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे कितना है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, सिक्स को हम नीचे डाल देते हैं तो 10/6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू जी एम। इसको कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने निकाल लिया है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो तुमने इसको नोट कर लिया होगा।
ठीक है, तो हमने काफ़ी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ी, और फिलहाल CBSE तक जो हमने बोला गया था कि हमें जितना कोर्स कंप्लीट करना है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हमने कर लिया है। इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं, आगे भी जैसे थ्रस्ट आता है, प्रेशर आता है, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, बायंसी है, वो हमें अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि वो अभी कैंसिल हो चुका है। तो अभी तक जितना भी पढ़ लिया है तुमने, उनको बहुत अच्छे से लर्न करो, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सबका प्रैक्टिस करो, ठीक है, और कोई भी डाउट रहे तो वो डाउट लास्ट में सॉल्व करना। ओके, बाय बाय।